सेंटर में आपका स्वागत है। ये हीरो मैस्ट्रो, आज हम बताएंगे कि इसका ऑयल लेवल चेक कैसे करें, ठीक है ना। ये इसकी राइट साइड में ये ऑयल गेज होता है, ये यानी ऑयल इस कहते हैं, ऑयल गेज भी कहते हैं, यानी ऑयल गेज मानो, ठीक है ना। इसको अच्छे से यानी साफ करने के बाद खोलना है, ठीक है। इसको खोल के चेक करते हैं फ्रेंड, ये रहा ऑयल गेज इसका मैस्ट्रो गाड़ी का, ठीक है ना। इसको अच्छे से साफ करते हैं कपड़े से, क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है और एक हाथ से मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ऐसे एक ही हाथ से यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बाकी स्टैंड यहाँ पर नहीं लगता, ये गाड़ी रैंप पे खड़ी है, इसलिए मैं एक हाथ से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इतना ऊंचा स्टैंड नहीं होता, क्योंकि गाड़ी कम से कम 3-3.5 फीट ऊंची है गाड़ी स्टैंड, ठीक है ना। इतना स्टैंड की लंबाई नहीं होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो ऑयल चेक करने का सही तरीका ये होता है कि ऑयल गेज हमने साफ कर लिया कपड़े से, क्योंकि ये पोजीशन, इतना पोजीशन जो होता है गेज का साफ होता है, यानी ये जो है ना ये इतनी, ठीक है ना। अब इसका ये हमारे पास मैस्ट्रो गाड़ी आई है, इसका ऑयल चेक करते हैं क्या है। इसको अच्छे से देखो साफ करके, फिर हम इसको फुल टाइट करते हैं। टाइट हो गया बिल्कुल लास्ट, ठीक है ना। ज्यादा टाइट नहीं करना प्लास से, मैक्सिमम यानी थोड़ा ही टाइट करना है। और फिर इसको खोलते हैं, फिर चेक। देखिए इसका इंजन ऑयल लेवल जो है बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, यानी इसमें इंजन लेवल कम है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें देखो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद कि इसमें ऑयल टच हो ही नहीं रहा है। जो ये है ऑयल का गेज, इसमें आपको दिख ही नहीं रहा होगा कि ऑयल है या नहीं है। बस जो ऑयल लग रहा है वो यहाँ पर इतना लग रहा है बहुत, यानी ये जो इतना जो पॉइंट होता है इस पर एक मार्क होता है, ये जो मार्क दिख रहा है आपको, मार्क होता है इस पर, ये जो मार्क होता है ये ऑयल लेवल कम का मार्क होता है, यानी ऑयल लेवल कम होता है तब जाके यहाँ पे इससे नीचे जितना भी लगता है ऑयल, तो वो ऑयल लेवल कम का होता है, यानी ऑयल लेवल कम है तब जाके इतना ऑयल लग रहा है। यानी इसका सर्विसिंग टाइम आ रहा है, और ठीक है गाइस, इसका सर्विसिंग टाइम है। अब आप अगर आपकी गाड़ी का यहाँ पर ऑयल टच हो रहा है और यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर टच ये जो है इतना, तो फिर आपकी गाड़ी सर्विस मांग रही है। अगर ऑयल का लेवल यहाँ तक है तो आपकी गाड़ी का ऑयल लेवल ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ऑयल लेवल जो रहता है वो यहीं रहना चाहिए यहाँ तक, और इससे कम होता है तो फिर आपकी गाड़ी को नुकसान होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इंजन सीज हो जाता है, क्योंकि ऑयल लेवल कम होने से पंपिंग नहीं हो पाता, हेड तक ऑयल नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे में सूखे पार्ट चल जाते हैं। सूखे पार्ट चलने के बाद गाड़ी हीट होने के बाद गाड़ी हीट होती है, और हीट होने के बाद गाड़ी सीज हो जाती है, ऐसा होता है ऑयल कम होने के कारण, ऑयल ना होने के कारण। अगर इंजन का ऑयल लेवल करेक्ट है और ऑयल काला हो गया तो इंजन सीज होने के चांसेस कम होते हैं। बस जो प्रॉब्लम आती है वो वाइट स्मोक की आती है, यानी गाड़ी धुआं छोड़ने के चांस ज्यादा होते हैं, और वो तब होता है कि तब गाड़ी की सर्विस लेट होती है, ऑयल काला पड़ जाता है ज्यादा, तब ऐसा होता है, यानी आप टाइम पे सर्विस नहीं कराते हो तब, ठीक है गाइस। तो आपने जाना ऑयल चेक के, और ऑयल के फॉल्ट क्या क्या रहते हैं, और इसी साइड होता है मैस्ट्रो का इंजन ऑयल लेवल, और ये होता है ऑयल का बोर्ड, देख रहे हो आप, ये ऑयल का बोर्ड होता है। यहाँ से ट्रेनट भी कहते हैं इसको, ऑयल का बोर्ड कहते हैं इसको। खोलने के बाद ऑयल निकलता है यहाँ से, ऑयल चेंज करते हैं, फिर ऑयल खोल के ऑयल चेंज करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये बोर्ड 17 नंबर का होता है,